मॉर्निंग बच्चों, देखो यहाँ पर है आप लोगों को हम लोग ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे विषय बता रहे हैं, व्याकरण अंश को बता रही हैं। सो आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों को व्यक्ति परिचय करा रही हूँ कि वो एक ऐसे महान व्यक्ति है जो भारत के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक उनका नाम जुबानी याद। सो यहाँ पर आप लोग को देखते ही मालूम हो जाएगा कि मैं इनके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। महात्मा गांधी, पाठ का नाम ही है महात्मा गांधी जी। सो गांधी जी कौन थे आप सब बताएंगे कि वो आजाद के लिए लड़े थे, वो राष्ट्रपिता हैं, वो सत्यवादी थे, वो एक अस्पृश्य के खिलाफ लड़ने वाले थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए। सो ऐसे ही थे महात्मा गांधी जी। आज हम जो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो उसके मूलभूत कारण अगर देखें तो महात्मा गांधी जी भी। सो महात्मा गांधी जी भी बचपन में हमारे राज की तरह बहुत शरारती थे और वो भी लड़ते थे, झगड़ते थे हर एक उम्र क्योंकि बच्चे जब बचपन से ही हम लोग अच्छे आदतों का डाले आदत डालेंगे तो हमारा भविष्य कितना स्वर्णमय रहेगा ऐसा एक देखने को हमें ये मिलता है। और ये पाठ की विधा है संकलित माने संग्रहित विषयों का एक पाठ। मैं संकलित पाठ बार बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ। संकलित माने संग्रहित विषयों का एक पाठ। सो ये भी महात्मा गांधी जी के बारे में कोई लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर संग्रहित किए हुए विषय, तो यहाँ पर आप लोगों को हर साल एक महान व्यक्ति का परिचय रहता ही रहता है। सो कोई भी हो, भारत के हो, देश के हो, विदेश के हो, एक व्यक्ति परिचय तो रहता है। क्यों आपके लिए एक व्यक्ति परिचय किया जाता है ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में? माने ऐसे महान व्यक्ति यूं ही ऐसे महान नहीं बने, उनका नाम आज हम गर्व से ले रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ऐसा माने ऑर्डिनरी लाइफ तक जाया नहीं होगा, उनके जीवन में भी कष्ट सुख सभी आए होंगे लेकिन उन्होंने किस तरह अपना नाम आज भी वो मर कर भी अमर है हमारे साथ। जब तक भारत रहेगा तब तक महात्मा गांधी जी का नाम तो अमर रहेगा। माने जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है कभी वो नाम नहीं कमा पाए, जो पैसे के पीछे भागता है वो भी नाम नहीं कमा पाए, जो व्यक्ति आत्मसमर्पण त्याग बलिदान के पीछे जाएगा वही अपना जीवन सार्थक बना पाएगा। सो अगर मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको अपने पिताजी के बारे में नाम याद है, उनके पिताजी का नाम है याद है और उनके पिताजी का नाम शायद है, शायद नहीं हमें अपने पिताजी के नाम मालूम है, उनके पिताजी का नाम भी हमारे मालूम है लेकिन उनके पिताजी और उनके उनके पिताजी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन हम महात्मा गांधी जी का नाम याद रखते हैं। याद है महात्मा गांधी जी का नाम, क्यों? वो हमारे दादा लगते थे, परदादा लगते थे? नहीं, वो हमारे संबंध से लगे तो वो हमारे कुछ भी नहीं लगते लेकिन उनका नाम हमारे जुबानी याद है। माने एक बात हमें सोचने की एक यहाँ पर सोचना पड़ता है कि जो हमारे दादा या परदादा थे वे अपने परिवार अपने लिए जिए इसलिए आज उनका नाम है, लेकिन ये महान व्यक्ति अपना कहकर कुछ नहीं दूसरों के लिए किया इसलिए उनका नाम आज भी जुबानी याद है। तो यहाँ पर हमें सीखने की बात यह है कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो अपने मौत से पहले भी मर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति त्याग बलिदान दूसरों के हित के लिए जीता है वो मर कर भी अमर बन जाता है, मर कर भी जीवित रहता है। तो ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। सो महात्मा गांधी जी के पाठ को आप लोगों के लिए क्यों दिया गया है पढ़ाई के लिए, माने इस पाठ का आश यह है कि सो यहाँ पर बच्चे महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ सत्य अहिंसा करके सत्य अहिंसा घर और दृढ़ निश्चय माने दृढ़ निश्चय माने जो भी काम करना है माने उस काम को हमें पूरा करने के लिए बहुत सारे मुश्किलें आएंगे लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को पूरा करके ही रहूंगा ऐसा अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा और उस रास्ते पर आने वाले रुकावट हमारे लिए पूनम की माला हो जाएंगे। तो ऐसे ही महात्मा गांधी जी आज हमारे पिता में महात्मा बन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये महात्मा बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने कष्टों को उठाया होगा। सो ये तो उनकी आत्मचरित्र आत्मकथा में हमें मालूम पड़ता है। देखो यहाँ पर इस पाठ का आशय बच्चे पहले तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद सत्य और अहिंसा के बारे में, सत्य की महिमा
महात्मा गांधी जी पहले सत्य के पुजारी थे, उनकी जुबान से जिंदगी में एक बार जो निकला था उसके बाद पे कभी भी झूठ ही नहीं बोले, सत्यवादी थे। सत्य माने सत्य, चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्य के रास्ते से हटेंगे। और उसके साथ अहिंसा, अहिंसा माने दूसरों को हिंसा नहीं देना, यहाँ तक कि वे गाय के दूध पीना भी छोड़ दिए क्योंकि उस गाय के दूध का असली हक पर बच रहा है। तो इस तरह सोचने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। अहिंसा और धर्म, अहिंसा धर्म और दृढ़ निश्चय के बारे में बच्चे जाने। सो आप देखेंगे आगे की कहानी। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, ये तो आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, उनका नाम देश विदेश में भी उनका नाम मान सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जो पहनते थे, उनकी जो घड़ी थी, उनका वो स्टेप था, उनकी वो जो चड़ी थी, वो सब आज भी देश विदेश के लोग खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसे का म्यूजियम उसे अपने शान की तरह रखना चाहते हैं। महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। So, राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता कौन माने? गांधी। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी है। तो यहाँ पर देखो महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ, उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। सो किसके प्रयत्न से? गांधी जी के प्रयत्न से ही भारत आजाद हुआ। त्याग और तपस्या के मूर्ति थे, वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। त्याग और तपस्या के मूर्ति गांधी जी थे, त्याग और तपस्या के मूर्ति थे गांधी जी। मैं यहाँ पर ले लो, त्याग और तपस्या के मूर्ति थे गांधी जी। धर्म अनेक प्राण था और सत्य उनकी आत्मा, उनका धर्म के लिए तो धर्म प्राण थी और सत्य उनकी आत्मा। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना, उन्हीं की प्रेरणा से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या के तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। उनके लिए धर्म प्राण था, तो स्वधर्म उनके लिए प्राण था, धर्म उनके लिए प्राण था और उसके उनके लिए आत्मा भी सत्य के लिए आत्मा भी सत्य के लिए आत्मा जी। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शिमले शरीर स्वभाव के थे। सो बालक मोहनदास करमचंद जी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, ठीक समय पर स्कूल जाते थे और घंटी बजते ही घर चलते थे। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर देखो बालक मोहनदास करमचंद गांधी, सो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद जी। सो मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम है। ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के बच्चे थे, बहुत ही शर्मीले स्वभाव से, अपने काम से मतलब रहते थे और स्कूल जाना होता वो सही समय में जाते थे और सही समय में आते थे और अपने काम से काम, कभी किसी को तंग करना बिना वजह बातें करना ये उनके लिए उनकी स्वभाव था ही नहीं। सो अपने काम से काम, जो उनका काम है वो अच्छी तरह से निपटाते थे और वापस स्कूल से आते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कभी भी किसी को नहीं सताया और झूठ तो ऐसा असर
साल हो गए, तो